अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पता नहीं कहाँ है हमारा बेटा, कुछ पता नहीं चल रहा है महेंद्र का। अम्मा जी भरोसा रखिए भगवान पर, ठाकुर साहब बिल्कुल सही सलामत लौट आएंगे। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, हमें छोटी माँ को जेल से निकालना ही होगा, वही हमें बड़े बाबूजी तक पहुँचा सकती है। बिहान, अगर हम मुजरिमों की धमकी पर सबको छोड़ने लगे तो सारे आतंकवादी बन के घूमने लगेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर अगले 5 घंटे में छोटी माँ बड़े बाबूजी तक नहीं पहुँची तो? इसीलिए हमारी पूरी टीम सख्ती बरत रही है राजकुमारी जी से सच चुगलवाने के लिए। और डोंट वरी, हम उनसे पता लगा के रहेंगे कि ठाकुर साहब हैं कहाँ। सिर्फ 5 घंटे बचे हैं, हमें नहीं लगता कि छोटी माँ इन 5 घंटों में पुलिस वालों को सच बताएंगी। बोल, ठाकुर साहब को कहाँ छुपा रखा है? हमें नहीं पता। मुझे नहीं पता। बोल, ठाकुर साहब को कहाँ छुपा रखा है? हमें कुछ भी नहीं पता। भगवान मुंह न खुलवाए छोटी मल का, और इतनी मार की आवाज सुनकर तो भगवान भी बता दे। हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। अरे हमरे होते चिंता की क्या बात है, झट से पुलिस वाले के अंदर घुस जाएंगे, फट से समधन को जेल से बाहर ले आएंगे। नहीं माँ जी, ऐसे में ईमानदार पुलिस वाले की नौकरी जा सकती है, और हम अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान तो नहीं कर सकते हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम और रिहान छोटी माँ को जेल से भिगवा दे तो? अरे बेटा, ऐसे तो तुम कानून की नजर में गुनहगार हो जाओगे। पर बाबूजी, छोटी माँ का जेल से निकलना बहुत जरूरी है, वरना पापा तक नहीं पहुँच पाएंगे। हाँ, और एक बार बड़े बाबूजी मिल जाएंगे फिर हम माँ की मदद से छोटी माँ को फिर से गिरफ्तार करवा देंगे। हाँ, हम तो मौली और बिहान के साथ हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन में इतने सारे पुलिस वाले होंगे, तुम लोग भाभी जी को निकालोगे कैसे वहाँ से? हमारे पास एक प्लान है। नैना, भागने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मौली बिहान तुम्हारी सास सुलक्षणा हमें छुड़ाने आ गए। देख क्या रहे हो, बंद कराओ ये तमाशा, काम पर ध्यान दो। इंस्पेक्टर साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं, तो इनको लगता है पानी पिलाना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा ही तो कर रहे हैं। जा रे जमाना, जब अच्छा चल रहा है तो चलने दे, पहले अंदर से एक गिलास पानी ले आओ। चिंता ना करो, बात माना मोरी धनिया, मनसा पूरा इब घुमाइब सारी दुनिया। सबको पानी पिलाओ। एक एक करके पूरे थाने को पिलाना पड़ेगा बेहोशी का पानी। लगता है इंस्पेक्टर ना आता ही नहीं था। जा रे जमाना। क्या हो रहा है, अचानक से मेरा सर क्यों घूम रहा है, मुझे सब घूमते हुए क्यों दिख रहे हैं? बंद करो ये नाच गाना, चलो सब लोग अंदर। जान हो
दिया, लगता है दवाई ने अपना काम कर दिया, यही वक्त है। भगवान मुंह ने खुलवाया छोटी मिल कर, और अभी तो कोई आया नहीं है हमें छुड़वाने की। कहाँ है? मैं जानती हूँ सुलक्षणा कि मेरे जाते ही तुम मेरा पीछा करोगी। पिलानी तो यही थी, लेकिन अब तुम कह रही हो तो नहीं जाएंगे। ओह अच्छा, मैं जिंदा लोगों पर भरोसा नहीं करती, तुम पर कैसे कर लूं? इसीलिए विहान को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगर मुझे तुम्हारी जरा भी भनक लगी तो तुम्हारा बेटा भी भूत बनकर तुम्हारे साथ टहलेगा। नहीं नहीं, हमारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। माँ, बड़े बाबूजी की जिंदगी बचाने के लिए हमें छोटी माँ की बात माननी है। छोटी माँ माजे की डर से हमें यहाँ बिहार दोनों में से किसी को बंधक बनाकर जरूर ले जाएंगे, ताकि माजी उनका पीछा ना कर सके। पर माजी, आप हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ चलेंगी। अरे वाह मौली, तुम्हारा दिमाग तो कलेक्टर से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ तो चले बिहान। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है मौली, मैं वहां से सोचना शुरू करती हूँ। मौली और बिहान की ताकत उसकी मरी हुई माँ बन गई है। अगर किसी तरह से सुलक्षणा की आत्मा उनकी जिंदगी से बाहर चली गई, तो मैं उन दोनों को उंगली पर नचा सकती हूँ। मार किलकारी, चिंता मत करो, इस बार जीत हमारी होगी। बाबा, उसके बाद मुझे आपसे छोटा सा काम है, छोटा और बेहद जरूरी। जब तुम दोनों को होश आएगा, तुम दोनों की दुनिया बदल चुकी होगी। मैं तो इनके साथ बहुत सीधा साधा खेल खेल रही थी, पर इन्हें भूत प्रेत का खेल खेलना था तो ठीक है। अब देखो राजकुमारी का खेल। शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरी बाचा, ना तो सोएगा
ना ही अब मारेगा किलकारी। ओम फट स्वाहा। मौली, तुम्हारी सांस की आत्मा को तो दफन कर दिया, अब तुम्हारी बारी। बाबा, मैंने आपको एक काम दिया था। मार किलकारी। तेरा काम तो पहले ही कर दिया है मैंने। देखिए मस्त मौली शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।